इसको पानी कुछ को ले जाएगा, आप इसमें भून लेंगे, फिर इसके बाद आप इसमें डालेंगे चीज़ें। अब फिर देखिए इसका पानी, चिकन आपने पानी छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं होता, हम इसको उसकी जगह इसको भून लेंगे। हमारे ये फ्राई हो गए, इनको हम निकाल लेंगे, और वो तीन हमने और डाले हैं इसकी कढ़ाई के अंदर, उनको हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मेरे स्टिचिंग खुल गए हैं, जहाँ पर जो सारे स्टिचिंग लगे हुए थे सारे डॉक्टर साहब ने खोल दिए, आप लोगों की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर हो गया। तो ऐसे ही आप लोग दुआ करें आपका भाई जल्द पर जल्द ठीक हो जाए। तो माशाल्लाह अभी मैं नहा धो के बैठा हूँ, फ्रेश हो के, पूरे एक वीक बाद मैं नहाया हूँ, तो इतनी गंदगी मुझे अपने आप से फील हो रही थी, तो मैं नहा के अल्हम्दुलिल्लाह जो के फ्रेश हो गया हूँ फ्रेश। तो आप लोगों के से मैंने एक बात करनी थी, मेरा दोस्त है एक, वो कहता है मेरे साथ वैसे ही ना उसने बातें छेड़ ली, करने लग पड़ा, तो तुमने क्या काम शुरू किया है ऐसे वैसे, ये कोई भी नहीं, कोई किस्मत वाला होता है जो फेमस होता है, तुमने कहाँ से फेमस होना है। मैंने बोला यार ये बात नहीं करनी, इज़्ज़त अल्लाह पाक देने वाले हैं, कोई और कोई इंसान नहीं देने वाला। तो इज़्ज़त जब अल्लाह पाक देते हैं ना, मेहनत हमारी होनी चाहिए, तो कर्म अल्लाह पाक ने करना होता है। तो आप लोगों से मैंने ये रिक्वेस्ट करनी है, आप लोग जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने उसको बोला इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम के साथ एक महीने के अंदर मैंने 1K सब्सक्राइब कर लूँगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने मेरी इज़्ज़त रखनी है, तो ये ना हो आपका भाई बिस्तर हो जाए। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो आज मैं इसी दुआ के साथ व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरे बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दें, जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतें डालें। तो आज हम बनाएंगे माशाल्लाह, जैसे आप प्यार दिखा रहे हैं अपने भाई को, इस तरह इससे भी डबल जो कि प्यार दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 1K सब्सक्राइब हो आपके भाई का, तो फिर उसको मैं दिखाऊंगा। ये देखें जी मेरे बहन भैया ने मुझे इतना प्यार किया है, तो ये 1K मैंने सब्सक्राइब हो गए हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत थोड़ा मुंह बंद करें ना, तो समझी दे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास, तो अम्मा जी से पूछेंगे आज, पहले तो आप दिखाएँ, देखें ये मेरी ड्रेसिंग है, आम सी मैंने ड्रेसिंग की है, कोई ख़ास नहीं की। तो अम्मा जी से जाकर पूछता हूँ आज क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पूरी रेसिपी। तो दुआ करें इससे भी जान छूट जाए, थोड़ी एक को वीक अभी लगेगा इससे चलने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कि काफ़ी बेहतर हो गया, ये देखें ना आप। तो टाइम नहीं ज़ाया करना, वीडियो लंबी नहीं करनी मैंने, तो आप लोगों को मैंने जो बात बोली आप लोगों ने मेरे पूरी हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है अपने भाई को। तो अम्मा जी के पास जा के तो मैं आप लोगों को दोबारा मिलता हूँ, लेट्स गो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ, अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी है, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी आज क्या बना रहे हैं? आज मैं चिकन ब्रेड बॉल बनाने लगी। चिकन ब्रेड बॉल, ये कैसे बनते हैं अम्मा जी? बहुत आसान है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। चलें जी अम्मा जी आज बना रहे हैं चिकन ब्रेड बॉल, ये देखते हैं किस तरह बनते हैं, आप लोगों के साथ पूरी वीडियो शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी। ये रमजान की बहुत अच्छी और बहुत खास जो के होने वाली ये डिश है, डिश ही है ना अम्मा जी? डिश ही है जी। तो ये आप भी अपने घर में बनाइए और अफ्तारी के टाइम ये बना के एंजॉय करें और साथ अफ्तारी करें। तो चलें टाइम नहीं जाया करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मैंने आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है, ये मैंने मेजरोला और चैटेड चीज ले लिए, मैंने ये मैंने 5-6 पीस मैंने ब्रेड के लिए हैं, ये मैंने छोटी सी शिमला मिर्च ली है वो मैं चॉप कर ली है, ये मैंने छोटी छोटी सी गाजर चॉप कर ली है, ये सब्ज मिर्च मैंने ली है, और ये मैंने वो लिया है वो जो होते सब्ज प्याज होते हैं ना वो मैंने लिया ग्रीन वो वाला, और ये ब्लैक पेपर है, एक टी स्पून 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून तंदूरी है वो है तंदूरी है मसाला है, 1 टीस्पून मैंने लिया सोया सॉस, 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का ये पाउडर लिया है। हाँ मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। चूल्हे के ऊपर रख लीजिए, चूल्हा मैंने जला लिया, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा आयल डाल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा,
अब हम इसके अंदर कीमा डालेंगे। देखिए हमने इसको कीमे को अच्छी तरह भूनना है। आप अफ्तारी के लिए इसको बनाइए, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बन जाती है। अफ्तारी में दिल करता है ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हों खाने के लिए, इधर ढोला खोल दिया खाए खाई जाए चाहे ना खाई जाए, ऐसे दिल करता है। ढोला खोल के तो बस दिल करते पानी पिए। इसको पानी किसी को ले जाएगा, आप इसको भून लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज़ें। अब फिर देखिए इसका पानी चिकन अपना पानी छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं होता, हम इसको उसकी देर इसको भून लेंगे। देखिए पानी कुछ हो गया, थोड़ा सा लगे हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये इसमें अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे तंदूरी मसाला। ये मैंने 1 टीस्पून ले लिया था। इसको हमें अच्छी तरह भून लें। सारा हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि ये चिकन गल भी जाए और ये सारा मिक्स हो जाए। थोड़ी सी आग हम स्लो कर लेंगे आँच। अब मैंने थोड़ी सी गाजर, मैंने थोड़ी गाजर ली थी छोटी सी, वो मैंने चॉप की थी, वो इसमें डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च, ये भी मैंने छोटी शिमला मिर्च ले ली थी, वो डालेंगे। तो मैंने ग्रीन सफ़ेद मिर्च दो मैंने ले ली थी, वो इसमें डालेंगे। ये सफ़ेद प्याज जो वो मैंने लिया था उसको इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक और साथ हम इसे काली मिर्च इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा लाएंगे, मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। अच्छी तरह ये भून गए, अब हम इसमें डालेंगे चीज़ मोज़रेला और चेडर चीज़। मैंने दोनों कट्टी रख ली है, दोनों हम इसमें डाल देंगे। देखिए चीज़ बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है, इसलिए मैंने चूल्हा मैंने बंद कर दिया। और अब जी हमारा ये सामान तैयार हो गया चिकन का मसाला। अब हम इसको एक तरफ रखेंगे, फिर हम आपको उसके बाद बताते हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने ब्रेड के पीस है, इनको साइडों से मैंने सारे काट लिए। अब मैंने बाउल में पानी लिए, एक बाउल में मैंने पानी लिया। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे डिप करेंगे, ऐसे करके फौरन निकाल लेंगे और उसके ऐसे सारे का पानी जो है ना वो फिर ड्राई कर लेंगे, कुछ कर लेंगे इसमें ऐसे। अब देखें इसका पानी कुछ हो गया। अब मैं इसके अंदर ये डालूंगी जो मैंने चिकन का सारा बनाया है ना, इसके मैं दरमियान में डालना है और इसको फौरन ऐसे कर लेना है।
फिर आप इसको बंद कर लेना, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम कर लें। आपने इसको ऐसे करके सारा इसको बंद कर लेना है चारों तरफ से। आमली से अच्छी तरह सारा देखें, अच्छी तरह सारा आमली से बंद कर लिया, सारा इसको बिल्कुल देखें चारों तरफ गोल आमली का बॉल बना लिया है। मैंने ऐसे अंडे में हम डिप करेंगे इस तरह। और इस तरह मुझे ऐसे लगेंगे ब्रेड का, मैं इसके ऊपर ऐसे लगा लेंगे ऐसे अच्छी तरह के ऊपर ब्रेड का लगाना है बहुत अच्छी तरह। अगर चाहे आप तो डबल कोट भी कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल भी रख सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे भी बना लें तो फिर हम आपको बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चिकन ब्रेड बॉल बना लिए, अब हम इनको फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। लेकिन हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, अब मैं इसके लिए चूल्हा जलाऊंगी। पहले हम ऑयल तेज आंच पे गर्म करेंगे, फिर उसके बाद हम स्लो कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई हो गए, इनको हम निकाल लेंगे और वो तीन हमने और डाले हैं इसकी कढ़ाई के अंदर, उनको हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये चिकन में ब्रेड बॉल तैयार हो गए हैं। आप भी अपने घर में अपने तरीके हमारे तरीके की तरह बनाइएगा और कमेंट में हमें बताइएगा आपको कैसे लगे। ये अफ्तारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आप ज़रूर बनाएगा, अफ्तारी के टाइम ज़रूर बनाइएगा इसको। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में हमें याद रखिएगा। और आप हमारी लाइक को हमारे जो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।